वेलकम टू सेम ब्लॉग्स अनदर डे। सो हम अब मनाली पहुंच गए हैं। तो हमारा जैसे अभी बस में आए थे तो बड़ा ना थक भी गए। सो गाइस, जैसे हम अभी मैं नहा के आ चुका हूँ बाहर। तो अब हम निकल रहे हैं कहीं घूमने के लिए। जो हमने जैसे पैकेज लिया था तो उसके ऊपर 5-6 जगह आस पास में अभी आज हुई जाएंगे। डिम्बा टेम्पल और 5-6 जगह और भी है। सो जैसे क्या कहते हैं, अभी हमने खाना भी नहीं खाया और आज का आउटफिट बताना कैसा है। अभी ग्लव्स पहन रखे, ठंड बहुत है आज। तो मैं वहां जाके दिखाता हूँ जाता कहाँ कहाँ पर हूँ आज। सो मिलते हैं वहीं पर ही। सो अब हम निकल रहे हैं होटल से। तो कुछ होटल का ऐसा है, हमारा होटल बाहर से इतना सही है जितना हमने देख सोचा था उससे अच्छा ही है होटल। तो हम निकलते हैं नीचे, ड्राइवर भी आ चुका है तो ड्राइवर के साथ निकलते हैं। और एक बार आपको मैं नीचे दिखाता हूँ, नीचे हमारे होटल के नीचे ही स्नोफॉल हो रखी है तो वो दिखाते हैं, फिर से निकलते हैं आप। कुछ होटल ऐसा है, रिसेप्शन। सो ये बैक साइड हमारे, ये देखो बर्फ चल रहे हैं। जिस दिन हम आने वाले थे उसी दिन यहाँ पे बर्फ पड़ी थी। एक तो अब तो जो वो बहुत सी पिघल गई है। और ये है भाई व्यू होटल के नीचे का, बोन फायर का भी दे रखा है इधर बैक साइड पे। सो आज हम देखेंगे रात को अगर हो पाए एडजस्टमेंट तो। बोन फायर से यहाँ पे जलाया भी था। ये देखो भाई बर्फ, ये हमारे होटल में बर्फ पड़ी थी। सो निकलते हैं फिर। ये हमारे होटल का एक तो अच्छी है लोकेशन, वो वहाँ से व्यू भी अच्छा आ रहा है वो हमारे रूम से ही। तो निकलते हैं, आपको देख दिखाते हैं आज जाते कहाँ कहाँ पर है हम। सो आपसे मिलते हैं हुई पर ही। ओके भैया, आज कहाँ कहाँ पे जाएंगे हम अभी? हम अच्छा लोकल साइड कहीं ये आगे। अभी हम हडिम्बा टेम्पल आ गए हैं। हडिम्बा टेम्पल के भी पहले हमने कुछ खाया नहीं था सुबह से, तो हम पहले होटल में कुछ खाने के देख रहे हैं। तो हम खाते हैं फिर क्या मंगा रहे हैं अभी देख ही रहे हैं अभी। तो फिर उसके बाद देख मिलते हैं आपसे। करी थी दो, अभी और भी आ रही है। सुब्रत तो कैसा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। पापा के साथ आके कैसा लगा? तो खा के आपको टेस्ट बताते हैं इसका। टेम्पल में आ गए हैं। सो यहाँ पे अभी ऐसा है सी, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ का तो। और वहाँ पे ऊपर स्नो सी है जो गिर रही है बंदों पे, दो चार बंदों पे। ये थोड़ी बर्फ बर्फ थोड़ा कीचड़ बहुत हो रहा है। देखिए क्या नाम है इसका, याद? कुणाल का भाई है छोटा। ये संदीप के पापा है, दोनों पापा है ये, मम्मी ये पापा। सो हम अंदर चल रहे हैं, अंदर चल के दिखाते हैं आपको हडिम्बा टेम्पल। हडिम्बा टेम्पल यहाँ पे तो भाई इतनी बर्फ और भीड़ इतनी हो रही है यहाँ पे भाई, बहुत ज़्यादा ठंड भी यहाँ पे ना, बहुत ज़्यादा ही एक्सट्रीमली ठंड है, बहुत ज़्यादा। इतनी ठंड की मैं बता नहीं सकता आप लोगों को। ये कुछ वो भीड़ तो है भाई, बहुत ही ज़्यादा है। ये निकाल लें यहाँ से, ये आगे से हमारा हडिम्बा टेम्पल। यहाँ पे अंदर दर्शन भी कर सकते हैं, अंदर जाके उधर भी एक मंदिर है। हडिम्बा टेम्पल में आए थे तो ये भगवान का इनका देखियो अच्छे से। जो मैंने कह रहा था बस में वो यही है। हडिम्बा टेम्पल से निकल रहे हैं। यहाँ का भाई बर्फ है, ऊपर तो इतनी है नहीं पर नीचे ना बहुत ज्यादा बर्फ है। देखो एक तो यहाँ पे भाई बर्फ ही बर्फ है इस साइड तो। बड़ा अच्छा ही मतलब ना, ये है ऐसा लग रहा है कि ना रूई हाथ में उठा रहे हैं, रूई हाथ में भाई। पर ठंडा बहुत ज्यादा है। ऐसे करो ऐसे दोस्तों पे फेंक दो,
बड़ा अच्छा लग रहा है। तो हम अडिम्बा टेम्पल से निकल रहे हैं, अभी ये घटोत्कच यहाँ पर है टेम्पल, तो उधर जाएंगे, उधर जाके आपको दिखाता हूँ वहाँ का टेम्पल। और ये था आज का अडिम्बा टेम्पल ऊपर। चलो ओके, निकलते हैं हम यहाँ से। भाई जैसे हम मैं बता रहा था कल वो हिडिम्बा टेम्पल से हम निकले थे, हिडिम्बा टेम्पल से निकलने के बाद हम वनगियान जाने वाले थे, बट वहाँ पे था नहीं कुछ जाने के लिए, थोड़ा जंगल से ही था तो हम वहाँ पे भी नहीं गए। फिर वहाँ से हमने थोड़ी देर माल रोड घूमा, माल रोड घूमने के बाद हम निकल गए होटल के लिए, थोड़ा सामान वामान लिया रात के लिए खाने पीने के लिए। तो उसके बाद हम घर ही आ गए, तो ब्लॉग एंड नहीं कर पाया था। तो आज सुबह का कुछ मौसम ऐसा हो रहा है यहाँ पे, बड़ा प्यारा मौसम हो रहा है, ऊपर साइड पर लगता है स्नोफॉल हुई है। सो आज हम जा रहे हैं रोहतांग वैली, सोलांग वैली, उसके बाद जाएंगे रोहतांग पास, ठीक है। तो वहाँ पे जो देखते हैं आज कैसा है, कह रहे स्नोफॉल यहाँ पे भी होने वाली है होटल यहाँ पे। तो ओके फिर मिलते हैं सोलांग वैली में, आज दिखाते हैं आपको क्या क्या होगा नेक्स्ट ब्लॉक में, मतलब ओके बाय।